शर्मा आप देख रहे हैं इंडिया 24 7 लाइव टीवी। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में गौ तस्करी गौकाशी करने वाले अंतरजातीय गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस मुठभेड़ में 15,000 का इनामी अभियुक्त सहित गौ तस्करी करने वाले 17 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि अभियुक्तों के पास से 20 गौवंश, 2 पिकअप, 1 मैजिक लोडर व तमंचा समेत गौवध करने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं सैकड़ों के गिरोह में सदस्यों की संख्या गिनत हुई है। अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस लगी हुई है। SSP सतपाल अतिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि गौ हत्या भारतीय सांस्कृतिक की सभ्यता एवं आस्था की हत्या है। इसमें किसी धर्म विशेष, समुदाय विशेष या फिर संप्रदाय विशेष की संलिप्तता नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी घिनौनी हरकत करने वाले का ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई संप्रदाय। गौरतलब यह है कि देश में बड़े पैमाने पर गौकाशी होती है। यह सब गौ मांस और उसके अवशेषों के लिए किया जाता है। इसमें भारी मुनाफा होता है। मांस के लिए गायों की तस्करी के जरिए पड़ोसी देशों में भेजा जाता है। किसी भी बेजुबान की बेवजह या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए हत्या कर देना यह कायरता और नपुंसकता का दूसरा रूप है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अब्दुल अतीक की रिपोर्ट। देखिए, ये आसपुर देवसरा पुलिस के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें कि 17 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। और इनके जो एक संगठित गिरोह बनाकर इनके द्वारा गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इनके द्वारा जो गोवंश है उनको दूसरे जनपदों में और बिहार और वेस्ट बंगाल तक सप्लाई किया जाता था। इनके पास से 3-4 पहिया वाहन, 1 मोटरसाइकिल, जिंदा खोखा कारतूस, तमंचे मिले हैं और भारी संख्या में गोकशी के उपकरण इनसे बरामद हुए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये चीज़ सामने आई कि ये विभिन्न जनपदों के व्यक्ति हैं, जो कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ से संबंधित हैं और इनके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर करीब 110 लोगों के द्वारा इस प्रकार से गोकशी की घटनाओं को और पशुओं की अवैध तस्करी का काम किया जाता है और ये बेसिकली बिहार और बंगाल तक सप्लाई करते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल हमें मिली हैं और सबको अभियुक्त बनाकर इन सब के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनके द्वारा अपराध से कारित जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी भी कुर्की की जाएगी। IG सर की तरफ से पूरी टीम को एक बड़ी उपलब्धि पर और पूरे नेटवर्क को खंगालने में सफलता हेतु पूरी टीम को 50,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। इसमें एक अपराधी है जो कि पूर्व में 15,000 रुपये का इनामिया था और गैंगस्टर में वांछित था, वो भी इसमें गिरफ्तार